साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे ओडीआई मैच में भारतीय ऑलराउंडर दीपक चाहर ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और जब तक वो क्रीज में टिके रहे ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम इस मैच को जीत जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जैसे ही आउट हुए अंत में जाकर भारतीय टीम को 4 रन से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन लेजेंड सुनील गावस्कर सर ने उनके ऊपर एक बड़ा बयान दे दिया है। जी हां, दीपक चाहर के बारे में सुनील गावस्कर सर ने कहा है कि अगर आपको 2023 वर्ल्ड कप जीतना है तो इस खिलाड़ी को मौका दीजिए। यानी कि दीपक चाहर के बारे में उन्होंने कहा है कि आप इन्हें मौका दीजिए जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया है, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार पर जब सवाल पूछा गया तो लेजेंड सुनील गावस्कर सर का कहना था कि देखिए भुवनेश्वर कुमार ने देश को बहुत कुछ दिया है, बड़े अच्छे गेंदबाज रहे हैं, लेकिन जो अब डेथ ओवर्स में यानी कि आखिरी के ओवर्स में जो पहले उनके यॉर्कर्स या स्लोअर वन काम आते थे वो अब काम नहीं आ रहे और ऐसे में दीपक चाहर को मौका देना चाहिए। आपको एक आंकड़ा भी मैं बता दूं दीपक चाहर का, बैटिंग में अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। 6 मैचेस खेले हैं ओडीआई जिनमें 4 पारियों में दीपक चाहर ने कुल मिलाकर 141 रन बनाए हैं। बैटिंग औसत उनका 70 से ज्यादा का है। जी हां, मोर देन 70 के बैटिंग एवरेज से रन बनाए हैं, जबकि 6 ओडीआई मैचेस में उन्होंने कुल मिलाकर 8 विकेट लिए हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 2 विकेट हासिल किया था तीसरे ओडीआई मैच में। और सुनील गावस्कर सर की बातों पर बिल्कुल भी आपको बिल्कुल जोर देना पड़ेगा और मेरे ख्याल से दीपक चाहर जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं, इससे पहले श्रीलंका में उन्होंने मैच जिता और बल्लेबाजी की थी, कल भी ऑलमोस्ट भारतीय टीम को मैच जिता दिया था, ऐसे में सुनील गावस्कर सर का कहना बिल्कुल 100% सही है कि आपको दीपक चाहर जैसे खिलाड़ी पर ध्यान देना चाहिए अगर आप 2023 वर्ल्ड कप 50 ओवर्स वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल से 2022 में यानी इसी साल जो अक्टूबर में हमें T20 वर्ल्ड कप खेलना है उसके लिए भी दीपक चाहर आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकते हैं एंड इनको आपको डेवलप करना चाहिए। आपको कैसी लगी स्टोरी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।